जो भी इंटरनेट हम डेली यूज करते हैं या जिसके बारे में हमें पता है, दैट इज नॉर्मल वेब, या फिर हम इससे सरफेस वेब भी कह सकते हैं, जिसमें गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब कुछ आ जाता है। लेकिन सरफेस वेब पूरे इंटरनेट का बस 4-5% है, और बस इतने से पार्ट में इतनी लाखों करोड़ों वेबसाइट और इतनी सारी इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन ये आता है, जो बचा हुआ 95% वेब है, उसके अंदर ऐसा क्या है? हम पूरे इंटरनेट को 3 मेजर पार्ट में बांट सकते हैं। पहला है सरफेस वेब, जिसके बारे में हम अभी बात कर चुके हैं। सेकेंड है डीप वेब। डीप वेब को हम अपने नॉर्मल ब्राउजर से एक्सप्लोर नहीं कर सकते, उसके लिए एक अलग ब्राउजर चाहिए होता है, और डीप वेब पर आप मोस्ट ऑफ द टाइम एनोनिमस रहते हो। डीप वेब में सारा डाटा सिक्योर रहता है। अगर मैं कहूँ कि आप सब कहीं ना कहीं डीप वेब को एक्सेस कर रहे हो, तो ये गलत नहीं होगा, बिकॉज जितनी भी साइट्स होती हैं जिनमें आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है, या जिन साइट में आपका प्राइवेट डाटा होता है, वो सारा डाटा डीप वेब में स्टोर रहता है, इसलिए इस डाटा को कोई इजीली एक्सेस नहीं कर सकता। डीप वेब में नॉर्मल डोमेन जैसे .com, .in, .net वर्क नहीं करते। डीप वेब की वेबसाइट का एक अलग डोमेन .onion होता है, और इसे एक्सेस भी अनियन ब्राउजर या टॉर ब्राउजर से ही किया जा सकता है। लॉजिक बिहाइंड दिस इज, जिस तरह से अनियन की बहुत सी लेयर होती हैं, उसी तरह से जब आप डीप वेब में जाते हो तो आपकी रियल आईडी बहुत सी लेयर में छुप जाती है, और इस वजह से डीप वेब में बहुत सी इनलीगल एक्टिविटी होती है, जैसे हैकिंग, सेलिंग वेपन्स, ड्रग्स एंड इवन ह्यूमन ऑर्गन्स। तुम किसी को पैसे देके मरवा सकते हो, किसी का बैंक अकाउंट हैक करवा सकते हो, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब लोग डीप वेब पे जाते हैं, हैकर से उनकी ही आइडेंटिटी को हैक कर लेते हैं, और वो खुद एक शिकार बन जाते हैं। डीप वेब में जो भी सेलिंग साइट्स होती हैं, वो सारी पेमेंट बिटकॉइन में लेती हैं, क्योंकि बिटकॉइन को ट्रेस नहीं किया जा सकता। इन में से कई साइट फेक भी होती हैं, लेकिन कुछ साइट रियल होती हैं जो पैसे लेके सारे काम करती हैं। डार्क वेब को इजीली एक्सेस नहीं किया जा सकता। नॉर्मल लोग कभी डार्क वेब पे जाते ही नहीं, और हमें जाना भी नहीं चाहिए। डार्क वेब पे फेक पासवर्ड बनाना, फेक क्रेडिट कार्ड बनाना एकदम लाइटर नोट पे है। जो कुछ भी हम इमेजिन कर सकते हैं, बुरे से बुरा सब कुछ डार्क वेब पे होता है। किडनैपिंग, किसी को टॉर्चर करके कस्टम वीडियोज बनाना, किसी की जासूसी करना या मर्डर करवाना। तुम किसी पर्सन को ऑर्डर कर सकते हो, और वो लोग तुम्हें ऑर्डर डिलीवर करके जाएंगे। ये सब कुछ डार्क वेब पे होता है। अगली बार मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ, वो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी। डार्क वेब पे एक साइट है, कैनिबल कैफे। उस साइट पे कैनिबल जो ह्यूमन फ्लेश खाते हैं, ऐसे लोग एक साथ आते हैं और डिस्कस करते हैं कि कैसे अपने विक्टिम को पकड़ा जाए और उन्हें कुक कैसे किया जाए, और वहाँ ऐसे बहुत सी रेसिपीज अवेलेबल होती हैं। इन सब बातों से पता चलता है कि इंसान किस हद तक जा सकता है। हम ये भी कह सकते हैं, डार्क वेब में दुनिया के सबसे शातिर और खतरनाक लोग रहते हैं। डीप वेब को बहुत से लेयर्स में बांटा गया है। जितना डीप तुम इंटरनेट में जाते रहोगे, उतना ही रिस्क बढ़ता जाएगा, और उतना ही उस पार्ट को एक्सेस करना मुश्किल होता जाएगा। ऐसी ही एक लेयर द प्रीमियर सिस्टम, जिसमें गवर्नमेंट्स और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन अपना डाटा स्टोर एंड शेयर करते हैं, जिससे उनकी इंफॉर्मेशन कोई जल्दी हैक नहीं कर पाए। और ये लेवल हाईली सिक्योर है, बड़े से बड़ा हैकर भी इस लेवल को रिस्क नहीं कर सकता। इस लेवल पर पहुंचने के लिए क्वांटम कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। लास्ट टाइम गूगल ने अनाउंस किया था कि उनके पास 100 कंप्यूटर है, वो भी 2009 के आसपास। मुझे नहीं लगता किसी भी पर्सन के पास ये कंप्यूटर होगा। ऐसे ही एक पर्सन ने अपनी डार्क वेब की स्टोरी शेयर की है। ये स्टोरी है डेरियस की, जो कि ऐसे ही क्यूरियोसिटी से इंटरनेट पर रिसर्च करने के बाद डार्क वेब पे चला गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डार्क वेब पे आपकी आइडेंटिटी काइंड ऑफ हिडन रहती है, तो ज्यादा प्रोटेक्शन के लिए डेरियस ने वीपीएन भी ऑन कर दिया। स्टार्टिंग में तो उसने कुछ ऐसी साइट देखी जहाँ वेपन्स, ड्रग्स सेल हो रहे थे। फिर डेरियस को सडनली एक पॉपअप आया जिसपे लिखा था, वॉन्ट ए सरप्राइज, क्लिक दिस लिंक। वो लिंक रैंडम लेटर्स और नंबर से बना हुआ था। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी डेरियस ने उस लिंक पे क्लिक कर दिया, और एक नया पेज खुल गया जिसमें एक लाइव स्ट्रीम चल रही थी। वीडियो में एक डार्क रूम था और एक चेयर रखी थी। तभी चैट बॉक्स में एडमिन का मैसेज आता है, लेट द गेम बिगिन, और एक आदमी एक औरत को लाता है और उस चेयर पे बैठा देता है और उसे टॉर्चर करना शुरू करता है। चैट में लोग डोनेशन देके बता रहे हैं कि इसे ऐसे टॉर्चर करो। ये सब देख के जब डेरियस ब्राउजर बंद करने वाला होता है, तो लाइव स्ट्रीम वाला इंसान कहता है,
लिविंग इज सून डेरियस, अगर तुमने इसे बंद किया तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। इसी के साथ उसने डेरियस का एड्रेस भी बता दिया। डेरियस ने तुरंत फोन बंद किया और टॉर ब्राउजर अनइंस्टॉल कर दिया। 17 अप्रैल के दिन डेरियस को पता चला कि उसका फोन हैक हो गया और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हैकर्स के पास है। कुछ दिनों के अंदर ही उन्होंने डेरियस को ट्रैक कर लिया। एक दिन जब डेरियस अपने घर आया तो उसे एक नोट मिला जिस पे लिखा था, थॉट वी वुड नॉट फाइंड यू। के बाद से डेरियस का कोई पता नहीं चला और रेडिट पोस्ट भी कभी अपडेट नहीं हुआ। अब आपको पता चल गया होगा कि हमें कभी भी डीप वेब या डार्क वेब पे नहीं जाना चाहिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मैं मिलता हूँ किसी और संडे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।